अरे अरे तूने क्या कर दिया देवराज, तुझे मैंने बुड्ढे को धमकाने के लिए भेजा था, ना कि उसे मारने के लिए। उसे मारा तो ठीक, लेकिन तूने एक और गेम बजा दिया। तुझसे कोई नहीं पूछेगा, मीडिया को जवाब मुझे देना पड़ता है सारा। अरे एमएलए साहब क्यों बातें चोद रहे हो, तुमने आज तक किसी मीडिया वाले का जवाब दिया है? तुम खुद मीडिया से कह के चले आते हो नो कमेंट्स। छुपा ले इसे देवराज, इसका खोपड़ा फाड़ दूं यहीं। तुम्हारा क्या है, तुम तो मुंह उठाते हो और मर्डर कर देते हो ठाए ठाए, जवाब तो हमें देना पड़ता है सारा। फिर मैं कुछ कहूंगा एमएलए साहब तो फिर तुम्हें चेतवे लग जाएंगे। मुंह उठा के नहीं, मर्डर होता है बंदूक उठा के। छुपा ले, देख इसे छुपा ले, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा वरना। चुप्पे। देखो एमएलए साहब, जब मेरे दिमाग की सटकती है ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है। खैर ये सब छोड़ो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देख देवराज, सेक्टर 6 में जो बिल्डिंग बन रही है उसके मालिक ने अभी तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं पहुँचाया है। तू उसके पास जा, उसे डरा धमका और मेरा हिस्सा लेके आ, जिसमें से मैं तुझे 20% दूंगा। 20 रुपए में क्या हो रहा है देवराज भाई का? मेरी तरफ से डील कैंसिल। चलो देवराज भाई। तेरी लल्ली को छोड़ूं तेरी साले जाहिल गवार, 20% का मतलब 20 लाख रुपए। मुझे पता है मेरे साहब, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा। साले तुझे ज्यादा पता, गांड में इधर की तरफ से डाल के ना ऐसी खींचूंगा, बहन चो जानता ना दिखाया मेरे गुस्से को। ठीक है मेरे साहब, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है बिल्डिंग का काम भी स्टार्ट करा दिया और एमएलए का हिस्सा नहीं पहुंचाया अभी तक। अबे जमीन मेरी, पैसा मेरा, एमएलए का काय का हिस्सा दूं? जमीन कितनी भी हो तेरी, पैसा चाहे कितना भी हो तेरा, एमएलए का हिस्सा जागा तो जागा। अबे कोई हिस्सा विस्सा भी ना दूंगा, एमएलए हो या कोई भी हो, चल यहां से हट। भाई गलती हो गई, पहुंच जाएगा आपका हिस्सा। एक मिनट भाई, जरा मैं उसे और धमका के आता हूँ। अबे ये पकड़ अकाउंट नंबर, इसमें 3000 रुपए अलग से डलवा दिए और किसी को पता ना चले, वरना उतने खतरनाक वो नहीं है जितना मैं हूँ, समझा? हाँ भाई। सर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसमें कुछ गुंडे आके मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और एमएलए का हिस्सा मांग रहे हैं। अच्छा भाई, क्या नाम है उस गुंडे का? नाम तो बता, अभी एफआईआर लिखता हूँ। सर उसका नाम देवराज है। का साले पागल है क्या? बस खुद तो मरेगा, मुझे मरवागा, जानता देवराज कौन है? उसके खिलाफ कोई भी ना जा सकता, और मैं क्या, कोई भी लिखेगा तेरी रिपोर्ट। चल निकल ऐसे। क्या हुआ? सर कानून में इतनी ताकत कहाँ है जो हमारी मदद कर दे, आपके सिपाही ने मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। गला चल, रिपोर्ट लिख इसकी। अरे सर चुप, रिपोर्ट लिख। तो सर जी तुम्हें नहीं पता किसकी रिपोर्ट लिखवा रही है? जानते हो देवराज को, बहुत खतरनाक इंसान है वो। तुझसे जितना बोला जाए उतना कर। अरे सर तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जान तक ही बात आ सकती है? तू मुझे मौत से डरा रहा है? जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी थी उसी दिन मैंने अपने लिए 250 ग्राम का कफन भी ले लिया था। मैं मौत से नहीं डरता, तू बस इसकी FIR लिख और मुझे देवराज का पता बता। सर ज्यादा तो मुझे पता नहीं, पर भट्टा नंबर 2 के पास से एक रास्ता जा रहा। बलदेव यार, जब तू पैदा हुआ होगा तो तेरी अम्मी के 2-4 ऑपरेशन तो हुए होंगे कम से कम। क्यों? मैं तेरा सिर इतना बड़ा, पूरा ट्रम्बा, हर तरफ को काया फैली पड़ी है तेरी। जब मैं पैदा हुआ तब तो इतना सही था तुम्हारी तरह, अभी तो हुआ हूँ ऐसा। अरे यार इन बातों को छोड़ो, गांव के हालात भी बहुत खराब चल रहे हैं। हाँ यार गांव के हालात तो खराब होने ही है, कौन जाएगा देवराज के खिलाफ? देवराज के खिलाफ मैं जाऊंगा यार। तू? हाँ मैं। तू क्या कर लेगा देवराज का? हाँ ये भी है यार, हम तो मामूली मजदूर हैं, हम क्या उखाड़ लेंगे उसका, कोई नहीं जा पाएगा यार उसके खिलाफ। पर पुलिस कुछ कर सकती है? पुलिस कुछ कर सकती है, क्या कर लेगी पुलिस? पुलिस देवराज भाई तो दूर की बात रही, मुझसे नजरें नहीं मिला सकती। मेरे सामने खड़ी हो जाएगी पुलिस, अगर मुझसे नजरें मिला ले पुलिस तो मैंने जानी है। जा पुलिस। ओए देवराज का घर किधर है यहाँ पे? सर नमस्कार, देवराज भाई का घर। भाई भैया है तेरा देवराज, पहले इसे गिरफ्तार कर। नहीं सर, देवराज की माँ का भोसला, मेरा काय को भैया होता, मैंने तो कल बाजार में मारने से छोड़ा उसे, कान पे उतर गई साले के। बता चल घर किधर है देवराज का? इधर से इधर। तो साले पैरों में जाके गिर गया। कानून के रक्षक हैं यार, इनकी इज्जत करनी चाहिए। सरकार ये माफ कर दो सरकार, मुझसे गलती होगी, आज के बाद नहीं होगी। ओए
गन नीचे कर। ए चुप करो बे कुत्तो। तूने साले मेरे सामने एक आदमी का मर्डर कराया, तुझे तो मैं जेल जरूर पहुंचाऊंगा। तूने ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर गोली चलाई और तेरे आदमी ने मेरी आंखों के सामने मर्डर किया है। तुम दोनों को तो जेल होने से कोई नहीं बचा सकता। 4 सेकंड, गोली तुम दोनों के भेजे से पार। पहले ये सोच तुम दोनों को कौन बचाएगा। साड़ू साहब गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती ना होगी। छोड़ो, मैं आपके तो हाथ मिलाने के काबिल ना हूँ। आओ भाई, चल 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 जल्दी निकल यहाँ से, सवेलना ठीक ना है। यार मैं इतने गुस्से में आया था, मैंने सोचा था मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, लेकिन यार वो इतना खतरनाक निकला कि उसे देख के मेरी फट गई। पर यार ये जो पुलिस वाली भड़ास है वो कैसे निकालूं? क्यों बे, तूने गाली बकी थी ना देवराज को? जानता है वो कितने इज्जतदार आदमी है, मेरे बड़े भाई के समान है वो। अरे ना अंकल जी, वो मैं ऐसी कह रहा था बस। अंकल कह रहा, तुझसे 2-2.5 साल छोटे होगा मुच्छड़। तेरा फलान काट के बीच चौराहे पे टांग दूंगा, पूरा गांव देखेगा तेरा फलान। समझ जा क्या कह रहा हूँ मैं। चल बे चल, समझ जा। अब सुकून मिला मुझे, अब जाके लगा पुलिस हूँ मैं। सर तुमने देवराज का सारा गुस्सा इन बेचारों पे निकाल दिया। करना पड़ता है। यार कानून की इज्जत करता हूँ मैं, इस वजह से कुछ ना कही, वरना यहीं सूद देता ही ना मैं। अबे सुन ली दिखाया भोसड़ी। चले आया।